संख्याओं का भाग नहीं जाता है, यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें स्वयं संख्या और एक इन दो के अलावा कोई भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक है, दो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, सॉरी पांच है, सात है, ग्यारह है, तेरह है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता। जिसमें हम एक को मैं तो भाज्य मानते हैं और मैं अभाज्य, एक जो संख्या है उसका मैं तो भाज्य की श्रेणी लेते हैं और मैं अभाज्य उसको अलग भाज्य की श्रेणी में लिया जाता है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में और सभी संख्याओं का भाग एक में जाता है। अतः इसमें हमें सभी संख्याओं को शामिल करते हैं। तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है जिसमें कुल संख्या और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। हमें सीधा सा क्वेश्चन का उत्तर पड़ा है कि वह संख्या जिसमें एक तो एक का भाग रहता है और स्वयं संख्या का भाग जाता है, उसके अलावा जिसमें अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और दो इसके साथ साथ ये भी ध्यान रख सकते हो कि दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होते हुए भी ये एक समसंख्या भी है। ये एक ही केवल दो ऐसी संख्या है जो समसंख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है और इस प्रकार वे संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं जिसके एक और कुछ संख्या के अलावा अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा हुई है। उदाहरण भी तुम्हें दे दिया है, जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या का अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य है, और जिसमें एक और स्वयं संख्या का अलावा और तीसरा गुणनखंड नहीं होता है वो संख्या विधि कहा जाता है। इसमें एक से लेकर 100 तक संख्या लिखी है, या ऐसे कह सकते हो जैसे आप 100 तक निकाल लिखते हो और एक ही कॉलम के नीचे उससे संख्या का भाग लिखा गया है, फिर उसमें से भाज्य और अभाज्य संख्याएं दर्शाई गई है। इसको आप बुक में देख सकते हो, ये रस की सरणी कहलाती है।
और अपने पास पहला उदाहरण है जिसमें दिया गया 15 से 24 सभी अविभाज्य संख्या लिखनी है। 15 से 40 सभी अविभाज्य संख्याएं, 15 से 40 सभी अविभाज्य संख्याएं लिख रहे हैं। अविभाज्य संख्या 15 से 40 अविभाज्य संख्या दो है, दो के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, और 13 के बाद 14 15 है। तो ये 15 से 40 सभी अविभाज्य संख्याएं हैं जो कि क्रम से ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई है। तो इस प्रकार आपको इन संख्याओं के बारे में भाज्य और अविभाज्य संख्या का पता होना आवश्यक है विद्यार्थियों। इसके बाद सम और विषम संख्याएं हैं। भाज्य और अविभाज्य संख्या में बात करना है आपको, सम और विषम संख्या पर है। सम व विषम विषम संख्या है। इसमें क्या है, हमें सम संख्या की परिभाषा पढ़ी होगी कि जिस संख्या में इकाई का अंक है शून्य, दो, चार, छ, आठ हो, वे सारी संख्याएं सम कहलाती है। वे सारी संख्याएं जिन संख्याओं में इकाई का अंक शून्य, दो, चार, छ और आठ होता है, चाहे कितनी भी संख्या हो हमें उस संख्या में इकाई का अंक मिलता है। अगर उस संख्या में इकाई का अंक दो, चार, छ, आठ, शून्य है तो वो संख्या निश्चित रूप से सम संख्या होगी। ये सम संख्या की परिभाषा है। ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक आम संख्या को इकाई की तरफ से गिनते हैं और इकाई की तरफ वाले हैं देखना है। अगर इकाई का शून्य, चार, शून्य, दो, चार, छ, आठ है तो वे संख्या ऐसा सम संख्याएं होगी। यह अपने पास सम संख्या की परिभाषा हो गई। वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं जिसमें इकाई का शून्य, दो, चार, छ, आठ होता है, और ये सारी की सारी संख्याएं दो का गुणज होती है, क्योंकि दो का गुणज होने के कारण सारी सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन आपने इस प्रकार सम संख्या की भाषा पढ़ी होगी कि वे संख्याएं जिसमें दो का भाग बराबर होता है सम संख्याएं कहलाती है। लेकिन वर्तमान में जो सम संख्या की परिभाषा कुछ बदल गई है, क्योंकि दो के भाग के स्थान पर इकाई का अंक हो गया है। इकाई का अंक देखकर के हम उस संख्या सम और विषम के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद है विषम संख्या है। विषम
जिन में इकाई का हम एक तीन पांच सात और नौ हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक एक तीन पांच सात नौ हो, यानी ये किसी संख्या में इकाई का अंक हो तो वे संख्या विषम होगी, विषम है। यानी हमें इकाई का अंक देखने पर संख्या के सम और विषम होने का पता चल जाएगा। जैसे इसमें आप जैसे देखोगे कि संख्या का इकाई का अंक एक तीन पांच सात नौ है तो वह निश्चित रूप से संख्या है, वो विषम संख्या है। अगर इकाई का अंक शून्य दो चार छह आठ है तो वो संख्या सम संख्या है। ये सम और विषम संख्या के लिए पहचान है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, क्यों? दो ऐसी सम संख्या जो है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। केवल दो ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। ऐसी क्रम में आगे आप अपने पास प्रस्तावित तीन पॉइंट दो है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। बताया कि दो संख्या का योग सम होता है या विषम, यदि वे दोनों संख्या विषम संख्या हो। आप देख सकते हो अगर दो विषम संख्याएं हैं और हम तो जोड़ते हैं हमें सम संख्या प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे सम संख्या है। अगर हमें वे दोनों सम संख्याएं हो, अगर दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी उसका योग सम संख्या ही होगा। दो विषम संख्याओं का योग भी सम संख्या प्राप्त होती है और दो सम संख्याओं का योग भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। फिर आगे सत्य और असत्य कथन है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये असत्य है, क्योंकि तीन विषम संख्या का योग भी विषम संख्या होता है, लेकिन दो सम संख्या का योग सम संख्या, दो विषम संख्या का योग सम संख्या होता है और तीन विषम संख्या का योग विषम होगा, इसलिए पहला असत्य हो गया। दूसरा, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है, दो विषम संख्या है और एक सम संख्या है और इनका योग सम संख्या होता है, ये सत्य है, सम संख्या ही होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये भी सत्य है, क्योंकि तीन विषम संख्या का योग भी सम संख्या होता है। आजकल ना और थोड़ा सा टाइम बाकी, पांच चार मिनट चालू है। हाँ भैया, हाँ पांच चार मिनट। तो इस प्रकार ये भी यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भाग का संयोग विषम होता है। यदि किसी संख्या में दो का भाग करने पर भाग का विषम होता है, ये भी सत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है तो सभी अभाज्य संख्याएं वो विषम होती है, ये सत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये भी सत्य है, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या होने के साथ साथ भी सम है, इसलिए ये भी असत्य है। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड एक और कुछ संख्या होती है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होते।
केवल दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो उनका योग सदैव एक सम संख्या होता है, ये सत्य है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या ये भी सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं ये असत्य है, क्योंकि दो सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। दो सम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है, ये भी सत्य है। दो सम संख्या का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। संख्या 13 और 31 भाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो एक और तीन है। स्वतंत्र की संख्या में ऐसे हमने उदाहरण बताने आपको, और इसमें संख्याओं का निर्धारण इस प्रकार है, जैसे 17 और 39, 93, 37, 73, 39, 79 और 97। इस प्रकार ये सौतक की संख्याओं के क्रम से वो उदाहरण है। इसी क्रम में आपको ये प्रश्न करना है और कल फिर आगे वाला चैप्टर इसमें कुछ संख्याएं जो है उसके बारे में कल कराएंगे।